और खबर उत्तर प्रदेश के श्रावस्ती जनपद के नवीन मॉडर्न थाना क्षेत्र अंतर्गत बेल्हा रागों के मजरा छाड़ूपुरवा से है, जहां पर 15 अगस्त के दो दिन पहले एक बुजुर्ग व्यक्ति जिनका नाम राम शबद बताया जाता है, चाय नाश्ता करने के बाद में सरयू नहर के किनारे आकर के पुलिया पर बैठ गए थे। अज्ञात कारणों से उनका पैर फिसल गया और वो सरयू नहर के ठोकर में ही गिर गए। ठोकर में टकराते ही उनकी बुरी तरीके से मौत हो गई। उसके बाद में जो पानी का बहाव है काफ़ी तेज़ था, देखते ही देखते वो यहाँ से बहुत दूर बह गए। लगातार श्रावस्ती की पुलिस और प्रशासन लगा हुआ था रेस्क्यू करने के लिए उनकी बॉडी की तलाश में, लेकिन तीन दिन चार दिन बीत गया, उनकी बॉडी मिली नहीं। जानकारी मिली है कि कल सुबह जो है उनकी बॉडी हमारे पड़ोसी जनपद बलरामपुर के DM आवास के पीछे जो बहादुरपुर एक सरयू नहर का ठोकर पड़ता है वहां पर उतराते हुए मिली है, जिसके बाद में बलरामपुर पुलिस को इसकी सूचना दी गई है। बलरामपुर की पुलिस ने शव को कब्जे में लिया है, पोस्टमार्टम करवाया है। पोस्टमार्टम कराने के बाद में राम शबद की बॉडी उनके घर पहुँच गई है और उनका अंतिम संस्कार भी कर दिया गया है। तो देखा, ग्रेट श्रावस्ती चैनल ने आपको खबर भी दिखाया था जा करके लाइव कि किस तरीके से लापरवाही के चलते राम शबद यहाँ पर पुलिया पर आकर बैठ गए, जबकि इनका जो खेत है दूसरी तरफ था। तो यहाँ पर बैठने के बाद में उनके साथ में क्या हुआ, लोगों का कहना है कि काफ़ी तेज़ हवा चला या फिर कोई मवेशी आ गया जिसके डर से वो ठोकर में ही गिर गए। किसी अन्य जगह गिरे होते तो संभावना थी कि वो निकल जाते, लेकिन ठोकर में काफ़ी तेज़ पानी बहता रहता है। पानी की स्पीड को तेज़ करने के लिए ठोकर बनाया जाता है और जहाँ पर ठोकर बना होता है वहाँ बिल्कुल झरना टाइप का होता है, बहुत ही तेज़ी से पानी गिरता है और उसी में जा कर के राम शबद गिर गए थे। बात करें अगर इनके परिवार की तो इनका परिवार बेहद ही गरीब है, छोटे छोटे मासूम बच्चे हैं, नाबालिग हैं, यानी घर में जो कमाने खाने वाला था उसी की मौत हो गई, बहुत ही अफसोस की बात है। तो ग्रेट श्रावस्ती चैनल आप सभी लोगों से अपील करता है कि दोस्तों, इस वक्त देखा जा रहा है कि बहुत सारे जो चरवाहे हैं हमारे वो सरयू नहर के किनारे छोटे छोटे बच्चे मवेशियों को चराते रहते हैं और लापरवाही करते रहते हैं। तो उन लोगों से मेरा ये अनुरोध है, उनके माता पिता से मेरा ये अनुरोध है कि इस वक्त बहुत ही बड़ी बड़ी झाड़ियाँ लगी हुई हैं बरसात के समय में, सरयू नहर के बगल में कई जगह पर देखा गया है कि ज़मीन भी धंस गई है। तो ऐसे में आप लोग लापरवाही बिल्कुल मत करें, अपने बच्चों का ख्याल रखें। इस वक्त कहीं भी कोई भी गड्ढा तालाब नाला या खेत है कहीं पर भी अपने बच्चों को ना जाने दें। ये देखिए कितना तेज़ी से पानी बह रहा था और वो जगह मैं आपको दिखाऊंगा जहां पर राम शबद बैठे हुए थे, ये इसी पुलिया पर आकर के बैठ गए थे। यहां पर एक पीपल का पेड़ भी उगाया है इसी पुलिया के अंदर, इसी पीपल के पेड़ के पास में उन्होंने पैर रखा हुआ था, यहीं पर उन्होंने आसकी वगैरह खाया है, अभी तक पन्नी उसका पड़ा हुआ है। तो यहीं पर बैठे हुए थे और उधर पीछे जो नहर है, नहर उधर से चल करके यहाँ पर आए थे। तो लगातार तीन दिन से चार दिन से तलाश की जा रही थी श्रावस्ती ज़िले में, कहीं भी मिले नहीं। जैसा कि हमने आपको बताया था, ठोकर के ऊपर पहुंच करके हमने लाइव वीडियो भी आपको दिखाया था और उसमें हमने बताया था कि जिस तरीके से ये ठोकर का पानी जितनी तेज़ी से बह रहा है, संभावना जताई जा रही है कि वो बलरामपुर ज़िले में ही जा करके उनकी बॉडी निकलेगी। क्योंकि जब जब भी कोई सरयू नहर में हमारे भरिया गाँव के पास में या इस गाँव के पास में अकबरपुर नहर पर जब भी कोई सरयू नहर में गिरा है तो उसकी बॉडी संभवतः जनपद बलरामपुर में ही मिली है, क्योंकि नहर का पानी बहुत ही स्पीड से बहता है। और दूसरी जानकारी आपको दे दें कि इनकी तलाश करवाने के लिए नहर का पानी भी बंद करवा दिया गया था। नहर का पानी बंद करवाने के बाद भी वो श्रावस्ती जनपद में कहीं भी मिले नहीं, पड़ोसी जनपद बलरामपुर में उनकी बॉडी मिली है। और जो लाश मिली है तैरते हुए, उसका वीडियो जो है व्हाट्सएप ग्रुप में डाल दिया गया है। चूँकि कमिटी गाइडलाइन की वजह से यहाँ पर वीडियो नहीं दिखाया जा सकता, लाश जो है काफ़ी सड़ चुकी है, काफ़ी टकराई है, काफ़ी ठोकर खाने के बाद में वो बलरामपुर ज़िले में पहुँची है, बहुत ही दुख की बात है।